अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर 15 से, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। और आज का हमारा टॉपिक है, इसका नाम है नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, काफ़ी आपका अहम टॉपिक है। तो इसको हम बोलते हैं नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। तो पहले आप एक बात सुन लें ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, काफ़ी लेंथी सा आपको टॉपिक का नाम लग रहा है। तो आपने याद रखना है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो आपको मिलते हैं फ्रेश वाटर में। आप जानते हैं कि बहुत सारे जो फिशेज हैं, आपके पास अमीबा वगैरह, जो प्रोटोजुआ हैं, वो एनिमल्स आपको मिलते हैं फ्रेश वाटर में। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो आपको मिलते हैं समंदर के अंदर, आपको मिलते हैं मैरीन वाटर के अंदर, आपको मिलते हैं। और बहुत से जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग जो हैं वो हम टेरेस्ट्रियल माहौल के अंदर हैं, हम ज़मीन के ऊपर हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स हैं, जो मैरीन वाटर के एनिमल्स हैं और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, क्या ये सारे डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर एनिमल्स हैं, क्या इनका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं उनके अंदर जो मेन है उनका नाम है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। तो हमारे जहन में सवाल आना चाहिए कि ये जो एनिमल्स फ्रेश वाटर के अंदर हैं, मैरीन के अंदर हैं या टेरेस्ट्रियल के अंदर हैं, क्या तीनों जो हैं एक ही तरह का वेस्ट रिमूव करेंगे या कि डिफरेंट टाइप का रिमूव करेंगे। तो आपको अभी टॉपिक में आइडिया हो जाएगा कि जो फ्रेश वाटर वाले एनिमल्स हैं उनका एक्सक्रीटरी वेस्ट और होता है, जो समंदर के अंदर है उनका और होता है, और जो आपके पास टेरेस्ट्रियल माहौल के अंदर हैं, जो खुश्की के ऊपर है, लैंड के ऊपर हैं, उनका एनवायरनमेंट जो है वो क्या होता है, उनका जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। तो ये टॉपिक का नाम है कि नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट, कि जो आपके पास एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसकी नेचर क्या होगी, किसके एतबार से, माहौल के एतबार से। तो मैंने यहाँ पे लिखा है हम तीन हेडिंग को डील करेंगे। तो अमोनोटेलिक नाम बता रहा है आपको कि अमोनिया को रिलीज करने वाले एनिमल्स अमोनोटेलिक, ऐसे यूरियोटेलिक, हम यूरियोटेलिक हैं, यूरिया को रिलीज करने वाले एनिमल्स, और यूरिकोटेलिक यानी कि यूरिक एसिड को रिमूव करने वाले एनिमल्स। तो हम पहले शुरू करेंगे विद द अमोनोटेलिक। तो मैंने यहां मेंशन कर दिया है अमोनोटेलिक। तो मैंने आपको बताया है कि जो प्रोटीन होती है उसके अंदर जो वेस्ट बनते हैं मेन वाले, उसके अंदर आता है अमोनिया, यूरिया और साथ आते हैं यूरिक एसिड। तो आपने याद रखना है इन तीनों में से जो आपके पास अमोनिया होता है उसको रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है। तो आपने याद रखना है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में से जो अमोनिया होता है, जाहिर है कि नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करना पड़ेगा। तो जो अमोनिया होता है इसको बॉडी से निकालने के लिए, यूरिन में को रिलीज करने के लिए सबसे ज्यादा वाटर क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। तो पहले हम डिफाइन करेंगे अमोनोटेलिक कौन होते हैं। तो मैंने बताया आपको एनिमल्स, वो एनिमल्स जो एक्सक्रीट कर रहे हैं अमोनिया को एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, दे आर कॉल्ड एज अमोनोटेलिक। पहली बात तो ये होगी हमारी, तो हमें नाम का मतलब समझ लग गई कि व्हाट आर द अमोनोटेलिक। तो अमोनिया एक्सक्रीटिंग एनिमल्स। फिर मैंने आपको बताया कि जाहिर है कि नाइट्रोजन वेस्ट टॉक्सिक होते हैं, हम पहली बात कर चुके हैं। तो जो आपके पास ये अमोनिया है टॉक्सिक है, अगर ये टॉक्सिक है तो हमें क्या करना चाहिए, एनिमल्स को इसे रिमूव करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया है कि इसको रिमूव करने के लिए बहुत पानी चाहिए है, मैंने यहां लिखा है लॉट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द अमोनिया। अब सवाल पैदा होता है कि सर कितना वाटर चाहिए है 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए। तो मैंने यहां लिखा है 500 ml वाटर लगता है 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए। तो आपने याद रखना है, आपको एमसीक्यू भी आता है ये वाला, कि कितना वाटर लगता है 1 ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए। तो आपको आइडिया हो रहा है कि 500 ml बहुत ज्यादा वाटर है, 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए बहुत ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड है। तो अब एक सवाल जहन में आना चाहिए कि 500 ml, हर ग्राम
हर एक ग्राम अमोनिया को रिमूव करने में 500 ml वाटर चाहिए है, तो सवाल जहन में आता है कि सर फ्रेश वाटर भी है, मैरीन वाटर भी है और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट भी है, तो तीनों में से कौन से वाले ऐसे एनिमल्स हैं जो इतना ज़्यादा पानी अफोर्ड कर सकते हैं। तो आपके जहन में शायद कहीं ना कहीं आ रहा हो कि जो फ्रेश वाटर होता है जिसका नाम है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, उनके अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, बॉडी के अंदर पानी बहुत ज़्यादा पानी आए जा रहा है, ऑस्मोसिस से पानी आए जा रहा है, तो ऐसे एनिमल्स जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं उनके अंदर पानी बड़ा आ रहा होता है। जब पानी बहुत ज्यादा उनकी बॉडी में आ रहा होगा तो उनकी बॉडी के अंदर पानी बहुत ज्यादा है, तो यही वो एनिमल्स हैं जो इतना पानी क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं। तो यूं कह लें आसान वर्ड्स में कि जो फ्रेश वाटर के एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, वो अमोनिया के लिए उनके पास 500 ml 1 ग्राम को रिमूव करने के लिए मौजूद है। तो फ्रेश वाटर वाले वो एनिमल्स हैं जो अमोनिया को चूज करेंगे एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो मैंने आगे लिखा है कि 500 ml वाटर रिक्वायर्ड है फॉर 1 ग्राम रिमूवल। तो अब सवाल है कौन अफोर्ड करेगा, तो मैंने यहां लिखा है फ्रेश वाटर एनिमल जो है वो अफोर्ड करेंगे जिसका नाम हमने क्या रखा है, हाइपोटोनिक एनवायरमेंट। पता लग गया जी। तो ये क्या करेंगे, ये जो है ये एनिमल जो है वो अमोनिया को चूज करते हैं एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो इट वॉज ऑल अबाउट द अमोनोटेलिक। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूरियोटेलिक के बारे में। ठीक है जी, यूरियोटेलिक के बारे में अब देखें हम लोग, अब हम टेरेस्ट्रियल माहौल की बात करेंगे, हम अपनी बात कर लेंगे। एक तो बात तय है कि नाइट्रोजन वेस्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है। तो मैंने आपको सिखाया भी कि अमोनिया के लिए 500 ml वाटर चाहिए, तो इतना पानी ह्यूमन तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हम हर एक ग्राम अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम अमोनिया को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर भला, यूरिया में। अच्छा, कन्वर्ट क्यों करेंगे, क्योंकि जो यूरिया होता है उसको रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर रिक्वायर्ड है। तो आपने याद रखना है कि 1 ग्राम यूरिया को रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर रिक्वायर्ड है, और ये हम कहीं ना कहीं हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग अमोनोटेलिक नहीं है, हम यूरियोटेलिक हैं। तो व्हाट आर द यूरियोटेलिक एनिमल्स, एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिया एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज यूरियोटेलिक। अगेन अब सवाल है कि हम यूरिया क्यों रिलीज करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो यूरिया होता है उसको रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर चाहिए है फॉर 1 ग्राम रिमूवल ऑफ यूरिया। तो आपने याद रखना है, तो एग्जाम्पल कौन है, ऐसा कौन अफोर्ड करेंगे, इतना पानी अफोर्ड कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट वाले एनिमल्स। ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, जैसे हम लोग इस माहौल के अंदर आते हैं, तो ये इतना पानी जो है वो क्या कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, अमोनिया को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे लिवर के अंदर, हमारे जिगर के अंदर यूरिया साइकिल चलता है जो अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, यूरिया में कन्वर्ट करता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अबाउट यूरिकोटेलिक एनिमल्स। अब देखें, आपने याद रखना है जो यूरिकोटेलिक का नाम बता रहा है, यूरिक एसिड, यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड। तो एनिमल्स एक्सक्रीटिंग यूरिक एसिड एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक एनिमल्स। पहली बात तो ये कि ये कौन से एनिमल्स हैं, तो देखें अगर हम ह्यूमंस का कंपैरिजन करें पानी के लिहाज से, अगर आप ह्यूमंस का कंपैरिजन करें रेप्टाइल्स के साथ या बर्ड्स के साथ, तो उनके पास पानी की अवेलेबिलिटी और भी कम है। तो इसका मतलब है कि 50 ml वाटर 1 ग्राम के लिए इंसान तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन बर्ड्स और रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है क्या होगा फिर, तो जो आपके पास रेप्टाइल्स हैं और जो बर्ड्स हैं वो यूरिक एसिड को रिलीज करेंगे। अब सवाल है कि यूरिक एसिड को रिलीज करने के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड है, 1 ml, सिर्फ और सिर्फ 1 ml वाटर लगता है 1 ग्राम यूरिक एसिड को
रिमूव करने में, तो आपको आइडिया हो रहा है कि बड़ा ही कम वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि यूरिकोटेली कौन है, तो ऐसे एनिमल्स जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड को, दे आर कॉल्ड एज यूरिकोटेलिक एनिमल्स, पहली बात। नंबर टू, यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए 1 ml वाटर है फॉर 1 gram रिमूवल। अब सवाल है कि ये कौन से लोग हैं, तो ये आपके पास जो एनिमल्स हैं मैंने बता दिया आपको, नाम लिया मैंने अभी, तो रेप्टाइल्स भी ऐसे हैं और बर्ड्स भी ऐसे हैं, ठीक है। अब इनको क्या मसला है, क्योंकि इनके पास शॉर्ट सप्लाई है, शॉर्टेज ऑफ वाटर, शॉर्ट सप्लाई कहेंगे इसको हम, तो इनके पास जो है वो शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर है, क्योंकि पानी का शॉर्टेज है, इसलिए ये अमोनिया की तरफ भी नहीं जाएंगे, यूरिया की तरफ भी नहीं जाएंगे और यूरिको की तरफ भी नहीं, यूरिको की तरफ जाएंगे क्योंकि इनके पास पानी की अमाउंट जो है वो बड़ी ही कम होती है। तो आज हमने क्या सीखा, आज का हमारा टॉपिक था नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। तो मैंने आपको बताया कि एनवायरमेंट के लिहाज से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो सेम नहीं रहता, वो चेंज होता है, जैसे आपको टॉपिक में आइडिया हो गया। फिर हमने क्या किया, हमने 3 हेडिंग यहां पे लिखी, अमोनोटेलिक है, यूरियोटेलिक है और यूरिकोटेलिक है, और फिर हमने 1 by 1 जो है वो तीनों को डील किया। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर, विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।